हलका खडूर साहब के अधीन होते कस्बा फतेहाबाद के वसनीक लोगों ने पंजाब सरकार अते डिपू होल्डर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी करते हुए कहा कि सानू हर रोज़ पिछले दो तीन दिन तो डिपू होल्डर के वालों कणक दर्चिया नहीं कट के दी जा रही, जिस करके असी अपने काम कर छड़ के सारा सारा दिन खज्जल खुआर होकर वापस घर आ जाते हैं। पिंड वासियों ने यह भी डिपू होल्डर से दोष लाए कि वह अपने चहेतियां कणक दर्चिया दे के बाकी गरीब लोगों जानबूझ के खज्जल खुआर कर रहे हैं। लोगों ने मांग की कि इन्हां डिपू होल्डर की जांच करके इन्हां उत्ते कार्रवाई की जाए और गरीब लोगों की कणक सही तरीके नाल वंडी जाए। इस संबंधी जब फूड सप्लाई इंस्पैक्टर नवदीप सिंह नाल फोन पर गल की गई तो उन्होंने कहना है कि जिनी कणक सरकार वालों भेजी गई है वह लोगों को वंड दी है, जो बाकी रेंदे लोगों की कणक जो सरकार वालों भेजी जाएगी वह वंड दी जाएगी। मेरा नाम अरजीत सिंह जी, पिंड फतेहाबाद। ये जी लोग पर्चिया नहीं कटिया जा रही, तीन चार दिन हो रहे हैं। आ वेखो बीबियां वा, कोई चंडीगढ़ महला वा फतेहाबाद के ही पा, कुछ फतेहाबाद के गरीब वर्ग के लोग आते ना दसिया भी सा जेडे भी होल्डर कोई छे डिपू होल्डर आ अब्बल तो उन्होंने फोन बंद हो गए, तो जो उन्होंने पूछ रहे भी पर्चिया साड़िया क्यों नहीं कट रहे तो कोटे पूरे हो गए। दसो जे गरीबा पर्चिया मिली ही नहीं, उन्होंने कोटा चले कितने गया वा। दूजी गल चौकीदार दोवे ने खलोते मौजूदा सरकार तो चीज़ भेज रही आ जिन्हों का हक बनता, पर जे डिपू होल्डर आने चहेतियां दर्चिया अंदर का कमर च बह के कट्टी जा रहे हैं, तो आम जनता वा जी गरीब वर्ग आ वो सड़क तुरै फिर कभी ये कह देंगे भी गुरद्वारे अलॉसमेंट कर देंगे गुरद्वारे। हक तो बनता भी जिथे जिथे डिपू होल्डर आने जिथे वह डिपू आ उत्थे पर्चिया कट्टे। फोन किसी ने काम जो मसला नहीं आ आम गल कि ना करिए प्रशासन तो किसी सुन नहीं दिया। ये सामने ही आ ये लोग जो चार दिन तो बीबिया बचे चो के जेड़े जेड़े लोगों ने मेहनत करके मजदूरी करके कुछ अपने दुध पत्ती लिए सौदे लिए पैसे कमाने से वो तो चार दिन तो ये मेरे साथ 30-30 किलो कणक लैन खज्जल खराब हो रहा, उन्हों का ने नुकसान हो रहा वा। जिहड़ियां पहलियां मैं कह सरकार के हक च नहीं हैगा, जिहड़ियां पहलियां सरकारां रह चुकियां वा वो इतना लोग खज्जल खराब नहीं हुंदे सी, पूरी चीज़ मिलती सी। आ लोगों ने बदलाव जिहड़ा लैण दा वेख ही लिया वा। मैं तो मंग ये करदा कि जिहड़े डिपू होल्डरां नूं जिहड़ी कणक आई है ना पूरे पंजाब की गल मैं करदा, मैं अपने कल्ले पिंड की गल नहीं करदा कि जिहड़े जिहड़े दे रसूखदारां दे कार्ड बने वो कट्टण वो कट्टण, ते जिहड़े हकदार लोग आ उहनां दे बनाउण, कईआं दे हाले तां बने नहीं आ, ते इनकुआइरी करन कि बई जिहड़ी आड़े हुण पर्चियां जिन्हां दे हुण जदों दी कणक आई आ तो हुण तां जिहड़ियां पर्चियां कट्टियां गईआं वा वो इनकुआइरी की जाए कि वो जिहड़े हकदार आ उन्हां नूं ही मिली कणक, उन्हां दीआं पर्चियां कट्टियां गईआं कि सूरदार रह गए, इहदी इनकुआइरी होनी चाहीदी आ। तो फिर वेखदे भगवंत मान जी एक्शन लेंदे आ कि नहीं, अपने MLA दे फोन दे उत्ते उत्थे चुप करके जिहड़ी इनकुआइरी नूं ठप्प कर लैंदे। ਬਾਜੀ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੱਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਵੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੋਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਰੱਖ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਭਾਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੱਲਾ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਸਾਰਾ? ਭਾਜੀ ਡਿਪੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਡਿਪੂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝਾ